والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين، سيدي الشباب أهل الجنة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله الأعداء مجمعين من الآن الى لقاء يوم الدين سيما بقية الله العظم في الأرضين على ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم, اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم मावल बार नजरा अला बबई अला खाना लहूल कुल्ले नजिल मबरूरा सलवाद भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहमद वाल मोहम्मद विल फर जहम खुदा का शुक्र अदा करते हैं माबूद का परवरदिगार का कि जिस माबूद ने हमें ज़िंदगी दी और ये सांसें दी कि इस वक्त अज़ा हुसैन आलत वसलाम में हम और आप हाज़िर हो सकें बहरहाल इस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया में बैठ कर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है मजलिस जो इस साले सवाब इस वक्त सरजमीन मुक़द्दस से इमाम रज़ा की बारगाह से उस ज़मीन से बहरहाल आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँ और कुछ देर इंशाल्लाह कुछ अराइज़ आपकी की में अर्ज़ करना है जनाब रसोखुदा सल्ला वम पैगम्बर आज़म जो कि एक अखलाक का नमूना हैं, जो ख़ातम हैं जिन्हें हजत बनाकर इस ज़मीन के ऊपर भेजा गया वो रसूल के जिसके लिए कभी ताहा कहा गया कभी यासीन कहा गया कभी मुजम्मिल कहा गया कभी मुदसर कहा गया वही रसूल इर्शाद फरमाते हैं वलदुन बार नजरता इला अबवई है ये हदीस बहुत ही प्यारी हदीस जो बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर सेवेंटी फ़ोर से है कि जिसमें जनाब रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया है कि पैगंबर फरमाते हैं कि हर वो नेक औलाद जो अपने वालदेन के चेहरे की तरफ मोहब्बत और प्यार से अगर एक मरतबा भी निगाह करे परवरदिगार उसकी हर निगाह पर हज मकबूला हज मबरूरा का उसे सवाब इनायत करता है यानी कितनी फजीलत है माँ और बाप के चेहरे की तरफ देखना माँ और बाप के चेहरे की तरफ़ प्यार और मोहब्बत और मशक्क़त से उनकी तरफ़ देखना खुदा वंद आलम ने हर निगाह पर जो माँ बाप की तरफ़ की जाए हर निगाह पर परवरदिगार हज मकबूला का सवाब देता है हज मबरूरा सवाब देता है माँ बाप जो कि बहुत बड़ी नमत हैं कि नियमतों को भुलाया नहीं जा सकता इनके एहसानात को भुलाया नहीं जा सकता कि माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए अपनी हर तरह की मशक्कतें अपने ऊपर बर्दाश्त करना गवारा कर लेते हैं लेकिन औलाद के ऊपर एक जर्रा बराबर भी अगर आँच आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो। बर मरहूम की मजलिस से उनके इसाले सवाब के लिए खुदा से दुआ करते हैं परवरदिगार उनकी मकफ़रत फरमाए और अहल बैत आपके खानवादे को सब्र जमील इनशाला इनायत फरमाए माँ बाप के साथ नेकी जिंदगी में भी नेकी और कहते मरने के बाद भी उनके साथ नेकी करना चाहिए माँ बाप के एहसान को कभी नहीं भुलाना चाहिए माँ बाप की मेहनतों को उनकी मशक्कतों को कभी नहीं भुलाना चाहिए माँ बाप हमारे और आपके लिए ऐसे ही कहते जैसे एक दरख्त को लगाया जाए एक पौधे को जब लगाया जाता है सोचे उस पौधे के लिए कितनी देखभाल की जाती है अगर किसी एक पौधे को आप लगाएं एक दरख्त को लगाएं उसके लिए ज़मीन को हमवार करना ज़मीन को मुहैया करना ज़मीन को आमादा करना और उसके बाद वहाँ पर उस पौधे का लगाना फिर पौधे की हर तरह से हिफाजत करना उसके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ों को बुलंद लगा देना कि कोई जानवर आकर उस पर गज़न न पहुँचाए नुकसान न पहुँचाए उस पौधे को जब लगाया गया तो उसको तमाम मशक्क़त दुनिया से बचाने के लिए कहीं कोई उस पर उस पौधे पर उस आँखें पे जो अभी निकला है वो छोटा सा पौधा जो अभी ज़मीन से बाहर आया है कोई पैर न रख दे कोई उस पर दूसरी दिक्कतें ना आ जाएं, उसकी देखभाल की जाती है बल्कि देखा होगा आपने कभी आम का दरख्त लगाया गया अमरूद का दरख्त लगाया गया या और इसी तरह किसी तरीके से और सेब के दरख्त हैं तो कितनी देखभाल उसकी की जाती है उसके इर्द गिर्द कांटे भी लगा दिए जाते हैं कि कोई मुजी जानवर या कोई और चीज़ उस पर ज़र्र ना पहुंचा सके बाद लोग उसके इर्द गिर्द पत्थर लगा देते हैं बाद लोग उसके इर्द गिर्द वहाँ पर ईंटें लगा देते हैं कि दूसरे जानवर उस तक ना पहुंच सके उसे जो है ज़रा बराबर अजियत ना पहुंच सके एक पौधे को आप जब लगाते कितनी जहमतें सरे वक्त सरे मौके उसमें पानी देना खाद देना उसे तूफ़ान से बचाना हर तरह से बचाना अब वो पौधा जैसे जैसे धीरे धीरे जवान होता है धीरे धीरे जब वो कद कामत ले लेता है उन पत्थरों की फिर उसे ज़रूरत नहीं होती है लेकिन निगहबान की फिर भी ज़रूरत उसको रहती है निगहबान की फिर भी ज़रूरत है कि हर तरह से अब उसके फल आने के बाद भी जो है निगहबान उसकी निगहबानी देता रहता है ऐसा ना इन फलों को चुरा लिया जाए ऐसा ना इन फलों पे अजीयें पहुंचा दी जाए ऐसा ना हो कि जिस वक्त ये पल लगने वाला हो उस वक्त कोई ज़रा बराबर उस पर गज़न कोई किसी तरह मुसीबत कोई आ जाए कि उसमें से वो चीज़ें कम हो जाएँ यानी हर तरह से उसकी देखभाल इसी तरह से हम इंसान कि माँ बाप हमारे लिए हर मशक्क़त हर जहमत हर तरह की वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपनी औलाद के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपनी औलाद को हर तरह से हर चीज़ से वो बचाएंगे। दुनिया में कैसे भी तूफान आ किस तरह के ना आए चाहे वो इंसानी हो चाहे वो खुदा की तरफ से आए हुए हों ये बाप और माँ अपनी औलाद को बचाते हैं और बचाने के बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं जब बच्चे अपने पैरों पर चलने लगते हैं तो माँ बाप के दिल को सुकून मिलने लगता है कि मेरा बच्चा ज़मीन पर कदम रखना शुरू कर दिए मेरे बच्चे ने अपने कदम उठा उठा के आगे बढ़ना शुरू कर दिया है माँ बाप को खुशी होती है उनका दिल शाद होता है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है बच्चा अगर गिर भी जाता ज़मीन पर तो कहते उस वक्त माँ और बाप दहेल जाते हैं मेरा बच्चा गिर गया बढ़ के उसको आगे उठा लेते हैं हर गर्मी हर सर्दी हर वबा हर बीमारी हर तरह से जिस जिस तरह की भी रुकावटें उसकी जिंदगी में आने चाहे माँ बाप उसके लिए सद्देबाप बन जाते हैं आकर सामने खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे पर जरा बराबर मुसीबत ना आए माँ बाप अपने आप को कहते हैं बेच देते हैं पैगम्बर आजम ने जिस वक्त हदीस को इशाद फरमाया हर वो नेक औलाद जो अपने माँ बाप की तरफ रहमत की निगाह से खुशी की निगाह से प्यार और मोहब्बत भरी निगाहों से अगर माँ बाप के चेहरे की तरफ अगर एक मरतबा भी देखते हैं तो खुदा वंद आलम उसके बदले में उसे क्या इनायत करता है एक हज मकबूला का उसे सवाब इनायत करता है कहते जिस वक्त पैगम्बर आजम ने इर्शाद फरमाया जनाब रसूल खुदा ने कहते उसी मजबे में लोग थे उन्होंने सवाल किया आया मे अतमर्रा यह रसोल खुदा क्या सौ मरतबा भी अगर निगाह करे वो औलाद अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ प्यार और मोहब्बत से तो खुदा वंद आलम क्या सौ मरतबा भी उसे हर निगाह पर हज का सवाब देगा कहते पैगम्बर आजम मुस्कुराए फरमाते हैं खुदा बकील नहीं है खुदा बकील नहीं है खुदा के यहाँ देने में कोई कमी नहीं हो हर निगाह पर हर निगाह पर पर परवरदगार तुम्हारे इनायत करेगा बल्कि यहां तक हदीस मिलती है फरमाए कि अगर हजार मरतबा भी निगाह करो माँ बाप के चेहरे की तरफ प्यार और मोहब्बत से तो कहते हैं खुदा वंदेलम तुम्हारी हर निगाह पर फिर भी इनायत करेगा कितनी फजीलत है माँ और बाप के चेहरे की तरफ देखना और खुदा वंद आलम ने माँ बाप के जिक्र को अपने जिक्र से मिला दिया है खुदा ने कहा कि मेरा शुक्राना कुरान की आयत भी है कि मेरा शुक्राना तुम अदा करो उसके साथ साथ अपने वालदेन का भी शुक्राना अदा करो उनका शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने किस तरह से जहमात की हैं तुम्हारे लिए परवरदिगार का भी शुक्राना अदा करो कि परवरदिगार ने मां बाप जैसी नियामत हमें दी है आज औलादों के ऊपर भी फर्ज है कि अगर बच्चे बड़े भी हो जाएं लेकिन माँ बाप का अदब करना मत भूलो माँ बाप का एहतराम करना मत भूलो कहते हैं कि अगर नबी भी क्यों ना हो अगर वालिद के एहतराम में जर्र बराबर अगर कोताही आ जाए तो खुदा नबूत को छीन लिया करता है दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर दिया करता है जनाब यूसुफ का वाकया आपके सामने है मुझे तकरार नहीं करना है कि जनाब यूसुफ़ वही जाओ हशम के साथ लश्कर के साथ जिस वक्त आपके वालिद महतरम आते हैं जनाब याकूब बहरल इधर से निकलते हैं कहते हैं बहरहल यहाँ पर दो चीज़ें बयान की गई हैं कि वालद साहब के सामने मैं जाऊँ कम से कम वो मुझे इस हालत में देख कर खुशहाल हों। एक ये नज़रिया था कि मैं जा रहा हूँ कम से कम मेरे वाले देखे कि मेरी भी यहाँ पर कुछ हैसियत है मैं भी यहाँ का बादशाह हूँ मेरा भी जाहो हशम है कहते दोनों सर ये निगाह लेकर कहते हैं कि जिस वक्त आगे बढ़े कहते हैं बाप जिस वक्त सामने आए कहते हैं उनके अदब एहतराम इन्होंने उतरने में थोड़ा सा कोताही कर दी एक रिवायत नकल की जाती कि अपने तख्त पर बैठे थे तख्त पर ना उठे एक एक नहीं सवारी से बाप के उतरने से पहले सवारी पर ये बैठे रह गई यानी खुदा को ये भी गवारा नहीं वलो नबी ही सही क्यों ना हो अगर एक तरके औला ये हो जाए तो खुदा वंद आलम नबूत को ले लिया करता है कहते हाथ खुलवाया गया जनाब यूसुफ का क्या देखा हाथ से एक नूर निकल कर चला गया जब पूछा तो उसका जवाब दिया गया कितना अदब एहतराम मां बाप के लिए कहा गया है इनकी मशक्कतों का ना भुलाया जाए अपनी जवानी को बर्बाद कर देते हैं दिनों रात एक करके दिनों रात एक करके ये अपने बच्चे को परवान चढ़ाते लेकिन ये बच्चा जब जवान होता है तो सारी जहमतों को मां बाप की भूल जाता है कि क्या क्या जहमतें उन्होंने की थी और बात तो ऐसे भी नालायक औलादे हैं कि जो ये कहती नज़र आती है कि आपने कौन सा हमारे लिए एहसान किया है सारे माँ बाप ये करते हैं ठीक अगर सारे माँ बाप यही करते हैं नाली में और कीचड़ों में भी पड़ी औलादे नज़र आती हैं माँ बाप अगर उसी वक्त उठाकर फेंक दिए होते तवज्जो न किए होते तो आज जिस मकाम पर ये इंसान पहुँचा है जिस जाहो हशम पर ये पहुँचा हुआ है तब उसे पता चलता कि क्या हुआ कैसे का क्या हो गया एक आभी अगर माँ बाप के सीने से निकल जाए कहते हैं वो खुदा की बारगाह तक पहुँच जाया करती है और परवरदिगार कहते हैं कि माँ बाप की औलाद औलाद के लिए जो दुआ करते हैं खुदा आलम वो ज़रूर इनायत करता है परवरदिगार ज़रूर इनायत करता है इसीलिए कहा जाता है माँ बाप से हमेशा दुआएं लिया करो बद दुआएँ उनसे मत लो ख़ास तौर से बाप खास तौर से बाप बाप की आह कभी ना लेना बाप की आह कभी ना लेना बाप कभी बदुआ ना करे यानी कहते हैं आसमान लरस जाता है जिस वक्त बाप बदवा के लिए अगर हाथ की अपनी औलाद खुदा ना करे किसी अपनी औलाद के लिए अगर बदुआ के लिए हाथ उठा दे आसमान लरस जाते हैं और बाप की बदुआ अगर निकल जाए कहते हैं वो सीधे मकबूलियत तक पहुंच जाया करती है मां इसका भी यादव एहतराम दुनिया में मां और बाप दोनों के लिए परवरदिगार ने कि वला तुम उफिन वाला तरह कुरान में कह रहा परवरदिगार इनके सामने वालेन के सामने कभी उफ तक ना कहना बल्कि यहां तक है कि जब वालदेन के सामने खड़े हो अपने आप को ऐसे वहां पर सामने खड़े करो जैसे एक परिंदा अपने परों को झुकाकर खड़ा हो जाता है मां बाप से कभी बेहतरामी ना की जाए कुरान ने कहा उनसे उफ तक ना कहना उनसे उफ तक ना कहना यानी खुदा कहता है अगर लफ्ज उफ से भी अगर कोई छोटा जुमला होता तो मैं उसको ले आता लेकिन लफ्ज उफ से कोई छोटा जुमला नहीं मिला आज पेशानियों पर हमारे और आपके बल आ जाते हैं अगर मां बाप कुछ कहते हैं आप तो ऐसे ही कहा करते हैं आप तो ऐसे ही सुनाया करते हैं बड़ा मशहूर वाक्य है कहते एक बाप अपने बच्चे के साथ एक बुलंदी पर खड़ा हुआ है बुलंदी पर खड़ा हुआ है और बेटा जवान है बेटा जवान है बाप उस बुलंदी से खड़ा हुआ है बाप बेटे मसन वहाँ पे खड़े हुए खेल रहे हैं कुछ कहते हैं उसके हाथ में एक बॉल था या कोई चीज़ थी बाप ने उसको ऊपर से नीचे को फेंका बेटे से कहा जा लेकर आओ कहते बेटा भाग कर गया जा लेकर आया कहते जैसे ही लेकर आया फिर वो दोबारा बाप ने उसको नीचे फेंक दिया बेटा फिर गया फिर लेकर आया कहते हैं चंद मरतबा तकरार किया और उसके बाद बेटा गुस्से में कहता है आपको क्या हो गया है कितनी मरतबा आप ये फेंकेंगे आप मैं ला के देता हूं और आप उठाकर कहते बेटा तुम्हें याद है जगह कहते हां याद है मुझे जगह ये या, जा याद है मुझे जगह जी फरमाए क्या कहना चाहते हैं पागल समझ रखा है आपने जो बार बार वही चीज उठाकर नीचे फेंक मैं जाता हूँ लेके आता हूँ फिर आप फेंक देते हैं उठाकर जब आपको फेंक नहीं फिर उठवाते कि मुझसे बार बार मैं नीचे जा रहा हूँ बार बार ऊपर आ रहा हूँ ये देख मेरी सांसें कैसे चल रही बाप कहता है यही वो जगह है जहाँ तूने तीस मरतबा इसी तरह से नीचे बॉल फेंकी थी और मैं नीचे गया हूं लेकर आया हर मरतबा आता था खुशहाल होता था और तेरी पेशानी का बोसा तेरे रुखसारों का बोसा देता था और तू खुश होकर फिर उसे फेंक दिया करता था जमीन की तरफ मैं फिर भाग कर जाता था मेरी सांस फूलती थी लेकिन तेरा चेहरा देखकर वो सांस मेरी सरेजा आ जाती थी मुझे अच्छा लग रहा था जब ये मोहब्बत अगर औलाद के दिल में मां बाप के लिए पैदा हो जाए तब वह कमाल ये मोहब्बत जो बाप अपने बच्चे से कर रहा है मां अपने बच्चे से करे, ये मोहब्बत ये मोहब्बत इस तरह के अगर पैदा हो जाए तब है कमाल तब उस वक्त आज अगर ज्यादा मोहब्बत भी दिखाई जाए तो औलादें कहती हैं कि इतना ज्यादा मोहब्बत क्यों दिखाई जा रही है तवज्जो ना की जाए तो उसके ऊपर भी लेकिन कितना भी हो इसीलिए मैंने कहा कि बाप की कभी कहते हैं बाप की शफकत मानिंद एक सूरज के है सूरज कितना देखते आप कितना महबूब है दुनिया के हर शय पे उसका नूर पड़ता है दुनिया के हर शय पे उसका नूर पड़ता है लेकिन सूरज का मिजाज जो है गर्म है सूरज में हिद्दत है लेकिन उसकी शफकत में उसके नूर में कहीं कमी नहीं है हर जगह बराबर का नूर कहते है कहते बाप को भी जो मिसाल दी गई सूरज के मानंद है बाप अपनी मोहब्बत को छिपाता है माँ अपनी मोहब्बत को दिखाती है बाप अपनी मोहब्बत को छिपा लेता है दिल में अपनी मुस्कुराहटों में अपने गुस्से में उस चीज को टाल दिया करता है माँ अपनी मोहब्बत का इजहार करती है बाप ही से मोहब्बत ली जाती कहते बाप की मिसाल सूरज के मानिंद है और मां की मिसाल चांद के मानंद है जो सर्द है सर्द है लेकिन यह चांद भी नूर को आक्स करता है लेता है सूरज से सूरज जब तक इसमें रोशनी है तो चांद में भी रोशनी है अगर सूरज की रोशनी कम हो जाए तो यह भी मध्यम पड़ जाएगी यानी अगर शौहर का साया अगर उसकी औरत पर जन के ऊपर है उसकी घरवाली पर है तब उसकी जिंदगी है अगर ये शौहर का साया अगर वहां से हट जाए बाप का साया अगर हट जाए नाम फौरन ही बदल जाया करता है फौरन ही उसको अलग नाम दिया बेवा दिया जाता है दूसरे नाम दिए जाते हैं बच्चों के भी नाम जो उनकी कितनी भी डिग्रियां हो बच्चों के भी नाम उसी वक्त बदल जाया करते हैं लोग उसे यतीम कहना शुरू कर देते हैं माँ बाप अल्लाह ने जो नियमत दी है इस नियमत को मत भुलाएं माँ की दुआओं को भी लें माँ की भी दुआओं को लें बाप की भी दुआओं को लें माँ बहरहाल हमेशा गुस्से में बददुआई किया करती है अक्सर देखा होगा आपने माँ अक्सर बददुआ कर देती है नहीं मारे हाथ टूट जाए गिर जाए फला हो जाए दिमाग हो जाए ये दुनिया भर की चीज़ें माँ गुस्से में कहा करती है माँ के बदवाएँ इतनी जल्दी अल्लाह कबूल नहीं करता क्योंकि दिन भर वो बच्चों को उससे में कुछ ना कुछ कह ही देती है अगर इतनी बदवाएँ माँ के अल्लाह कबूल करने लगे फिर जो है नस्ली ख़त्म होना शुरू हो जाए लेकिन अगर माँ दिल से अगर बद कर दे कहते हैं माँ की और बाप की आख कभी मत लेना अगर दिल से खुदा न खासा ये बद कर लें तो डायरेक्ट इनकी दुआ भी वहाँ पहुँचती है इनकी बद भी वहाँ पहुँचा करती है ख़त्म किया मैंने अपनी गुफ्तु को खुशकिस्मत है वो माँ बाप भी कि जिनकी औलादें जो तरबियत की गई कि उनके मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाए आज ये जिस मरहूम की बहरहाल मजलिस है बहुत ही नेक मुतन दीदार अहल बैत के चाहने वाले अहल बैत के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले माँ बाप जब ये करते हैं औलादें भी वही करती हैं औलाद जब देखती है कि ये अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं ये अपने अयजा अकारीब के लिए कर रहे हैं तो औलाद भी वही चीज़ें सीख जाती है आज ये उसका नतीजा देख रहे हैं कि मशदलमकदस से इस सरजमीन इमाम रज़ा रजात वसलाम इस बाप को याद किया जा रहा है इस फैमिली के इस फर्द को याद किया जा रहा है क्यों ये उनकी नेकियां हैं और उनके औलाद ये नेक हैं कि जो अपने माँ बाप को नहीं भूली हैं मैंने अपनी गुफ्तु को ख़त्म किया एक वाकया बहरहाल एक माँ का मिलता है कहते हैं एक माँ हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ किया करती है उसी तरीके से बाप भी अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ किया करता है मां दुआ किया करती है एक बहुत मशहूर वाक आपने बारहा सुना होगा अपने बच्चों के इसलिए तकरार करना चाहता हूं कि माँ की हमेशा हंसी हंसी वाली भी दुआ लिया ले लिया करो माँ बहुत बड़ी नियमत है बहुत बड़ी नियमत है जनाब मूसा के ज़माने का एक वाक्य मिलता है कि जनाब मूसा हैं खुदा की में के में गए कहते परवरदिगार पालने वाले मेरे मबूद मैं देखना चाहता हूँ कि बहिश्त में मेरा पड़ोसी कौन होगा मेरा हमसाया कौन होगा परवरदिगार मुझे दुनिया में दिखा दे मैं उसे जाकर देख लूँ उससे मिल लूँ कहते नि नेदायबी आई ए मूसा फ़ला फला, फला करिए में फला फला जगह पर जाओ फला गाँव में फ़ला शहर में उस जगह पर तुम्हारा पड़ोसी है जो तुम्हें जन्नत में मिलेगा जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा वो फला फ़ला कसाब है जनाब मूसा बहराल तलाश करते हुए उस करिये में पहुँचे पूछते हैं पता चला उस कसाब की दुकान पर पहुँचे क्या देखा एक जवान है एक जवान राना है जवान है अभी उसने अपनी दुकान को खोला दुकान खोलने बाद कहते हैं कि बहरहाल वह दुम्बे को लेकर आया बकरे को उसने िभा किया उसके बाद उसमें से अच्छे गोश्त को उसने उसमें से कुछ बोटियाँ निकाल के चुन के उसको किनारे रख दिया देख रहे जनाब मूसा बरल बैठे रहे दिन भर उसके साथ देखते रहे दूर दूर से उसको बहरहाल जिस वक्त वो दुकान बंद करके अपनी जाने लगा जनाब कहते हैं कि क्या तुम्हें मेहमान नहीं चाहिए बहरहाल जवान था दीदार था जवान कहता क्यों नहीं मुझे मेहमान चाहिए खुदा वंद आलम ने भी कुरान में कहा क्या कर मुज़ैफ़ वलो का ना काफिर मेहमान का इकराम करो बोलो काफिर ही क्यों से आज हमारे मेहमान आ जाते चेहरे लोगों को उतर जाते हैं कि मेहमान आ गए मेहमान आ गए बहरहाल कहते हैं बद अखलाकियाँ भी करना शुरू कर देते हैं घर वालों से भी बदखलाकियाँ करना शुरू कर देते हैं और कहीं पता चला ससुराल वाले आ गए या मके वाले आ गए इधर आ गए तो एक दूसरे के बहरहाल टेंशन हो जाता नहीं ये नियमत है ये नमत है एक दूसरे से मिलना ये सिले अरहम बजा लाना ये बहुत बड़ी नियामत है एक दूसरे से मिलते रहें एक दूसरे के पास जाते रहें कि इंसान की ज़िंदगी में बढ़ेंगे रिस्क रोज़ी बढ़े तमाम तो मुश्किल परेशानियां भी दूर होती चली जाएंगी बहरहाल कहते हैं वो जवान के साथ जनाब मूसा चले पहुँचे उसके घर पहुँचे तो पहुँचे के बाद इसने जनाब मस्क बरहल पजीराई की बरहल जो उस ज़माने में जो होता होगा चाय पानी जो कराया गया और जनाब मसक उसने बिठाल दिया और बिठाने के बाद बिरल वो जो गोश्त से लेकर आया था इसने गोश्त को ले जाकर चढ़ाया गोश्त को पकने के लिए रखा और उसके बाद बहरल जनाब मसहत से बातें करता रहा और उस दरमियान चंद मरतबा वो अंदर हुजरे में गया और आया गया आया बहरल कहते जिस वक्त खाना बनकर तैयार हो गया है दस्तरखान इसने लगाया जनाब मसहत से कहा कि आप यहाँ तशरीफ़ रखें मैं आता हूँ कहते इसने एक प्याला लिया उसमें बहरहाल गोश्त को उसने लेह किया यानी नर्म किया और रोटी को उसमें नर्म करने के बाद उसके शोरों में सालन में वहाँ लेकर पहुँचा वहाँ जरा हम देख रहे हैं सामने एक अजूज़ा एक बूढ़ी औरत है जो बिल्कुल ना चल सकती ना फिर सकती जिसके दांत भी नहीं है बिल्कुल यानी हाथ पैरों से बिल्कुल माजूर है ये जवान पहुँचता है मुंह को साफ़ करता है चेहरे को साफ़ करता है उसके बाद अपने हाथों से रोटी को नर्म कर कर के उस उसफ़ा के मुंह में डालता जाता है वह ज़यीफा खाती जाती है मुस्कुराती जाती है और कुछ बहरहाल ज़बान से कुछ कहती चली जाती है जनाब उ देख रहे हैं कि जबान मुस्कुरा रहा है और हंसा जा रहा है और खिलाया जा रहा है कहते जब खाना पीना खा जो कहते आखिर में मुंह को साफ़ करता है जब वापस आने लगा तो उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ वहां से बाहर निकला जनाब उ ने कहा है कौन कहा कि मेरी वालिदा हैं कि जो मैं इनकी एक ही औलाद हूँ यानी वाक ये औलाद की भी खुशकस्मती है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके खुशकिस्मती है घर का कोई फ़र्द भी किसी बुजुर्ग की अगर खिदमत करें बहुत बड़ी उसकी खुशकिस्मती है उसकी दुआओं को लिया जाए कहते हैं वहाँ से वापस आजना मूसा ने कहा कि क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हंस क्यों रहे थे बार बार तुम्हारी वालदा कुछ कहती थी तुम हंसे जाते थे लुकमा देते थे हंसे जाते थे कहते क्या कहूँ फिर ज़ोर से कहते एक मतलब ठट्ठा लगा के हंसा कहता है कि मेरी वालदा भी क्या कहें वो दुआ करती हैं ये दुआ करती हैं कि अल्लाह तुम्हें मूसा का पड़ोसी बनाए कहाँ कहाँ मूसा नबी अल्लाह और कहाँ मैं मूसा का पड़ोसी में कहते जनाब मूसा ने एक मरतबा उसको अपने सीने से जवान को लगाया और उसके बाद फरमाते हैं कि तेरी माँ की दुआ को खुदा ने कबूल कर लिया है तेरी माँ की दुआ को खुदा ने कबूल कर लिया मैं आया इस जगह पर हूँ उसी लिए शायद खुदा ने तेरी उस दुआ के बदले मुझे यहाँ पर भेजा है मैं मूसा नबी अल्लाह कहते सुनना था एक मरतब कदबम गिर जाता है कदम गिर जाता जनाब मूसा कहते हैं कि तेरी माँ की दुआ को अल्लाह ने कब देखे कि माँ अगर ये दुआ कर दे तो कहते नबी खुदा भी वहाँ पर आ जाते हैं जनाब खुदा ने इरशाद फरमाया कि वालदन की तरफ अगर रहमत भरी निगाह अगर कर दे इंसान तो परवरदिगार उसकी हर निगाह पर हज का सवाब देता है अमीरमोमिन ने क्या फरमाया मौला फरमाते हैं कि वालिदैन अकबर फरीजा वालदन के साथ सबसे बड़ा फरीजा ये है कि उनके साथ नेकी की जाए वालदेन के साथ सिले रहम बजाला जाए वालदेन की सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि उनकी बातों को सुना जाए खुदा से दुआ करते हैं कि जिनके परवरदगार तूने उन्हें दिए उन्हें तूले हयात दे दे और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे बहरहाल एक दुआ है कि बहरहाल एक मुश्किल परेशानी है उसी पर मैं ख़त्म करूँगा वालदेन की दुआएँ भी ले और माँ और बाप ने जो कहा उसको भी बहरहाल इंसान माने और एक आजकल बहरहाल मुश्किल परेशानी जो हर तरह से बहरहाल बढ़ी हुई है मुलाजमत की है रोज़ी की है रिस की है कि अगर तमाम हवाईज को अगर हवाइज शरैया अगर खुदा से चाहते हैं कैसी भी हाजत हो इसको हर रोज़ दिन में एक तस्वीर सौ मरतबा इसको सात दिन तक लगातार पढ़ा जाए एक हफ़्ते मुकम्मल और जिस वक्त इसे पढ़ा जाए पहले चंद शलवा पहले भेज दी जाए और आखिर में चंद शलवार और उस अपने जिस मुश्किल परेशानी हो जिसके लिए जिस चीज़ के लिए पढ़ रहा है उसको अपने जहन में जो है इनशा वो रखे रहे कि परवरदगार इनशा उसे उसमें कामयाबी इनायत करेगा दुआ यह है बस्मर रहीम या हन्नान व या मन्नान या सुल्तान व या बदयी समावत वल अर्ज़ या जल जलाल वालकराम बहमत का या अरहमर राहमीन इसको सौ मरतबा एक तस्वीर हर रोज़ तकरार करें जिस काम के लिए भी जो भी मुश्किल परेशानी रोज़ी रोज़गार मरीजी बीमारी घर कारोबार चाहे जिस चीज़ के लिए अगर आपको चाहिए औलाद की जो है बहरहाल जो मुश्किल है उसको दूर होने के लिए हर तरह से हर चीज़ के लिए एक मजमू है ये माजून है ये दुआ इनशा करें परवरदिगार ज़रूर इनायत करेगा और एक बहरहाल लाइलाज बीमारियाँ जो हो गई हैं बहुत सी बीमारियाँ हैं जो कि लाइलाज हो चुकी हैं या और भी कोई बीमारी किसी भी तरह की बीमारी आ जा रही हो तो मासूम ने फरमाया है कि बहरहाल इस आयत को जो है सात हज़ार मरतबा पढ़ना है अगर वाकई चाहते हैं कि आपका बीमार सही हो जाए किसी भी तरह की बीमारी हो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो लाइलाज बीमारियां बीमारियाँ साबुल इलाज जो बीमारियाँ हो गई उसके लिए तक कहा जा चुका है इसको पढ़ा जाए कि अल्लाह उसको जो है परदगार ज़रूर सेहत इनायत कर उसके पास बैठ कर पढ़ा जाए इक्कीस दिन तक इसको पढ़ना है इनशा उससे पहले ही जो है परवदगार उसको सेहत इनायत कर देगा इक्कीस दिन तक टाइम की कोई भी टाइम हो जरूरी कि एक ही टाइम पर जो पढ़ा गया उसी टाइम किसी भी टाइम पर उसके पास जाकर जहाँ पर मौजूद हो उसको पढ़ा जाए इन खुदा शिफा इनायत करे बसमान रहीम अल्लाह ला रब अरशिल अजीम इस दुआ को इंशाल्लाह पढ़ा जाए परवरदिगार अहले बैत इंशाल्लाह उसे इनायत करेंगे आए बहरहाल एक बाप का ज़िक्र है चले एक और बाप है जो नज़फ़ अशरफ़ में है एक और बाप है जो करबला में मौजूद है आए चलते हैं आका हुसैन की ख़िदमत में कि मौला हुसैन किस तरह से अपने फ़र्जंद अकबर के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे किस तरह से एक बाप जिसने हमें ये चीज़ें सिखाई कौन बाप जिसे पैगंबर आजम कहा जाता है आए मासूमिन की बारगाह में चलते हैं आका हुसैन के पास चलते हैं मौला को सलाम करते हैं और ज़्यारत करते हैं मुख्तसर अपने दिलों को लेकर चलते हैं आका हुसैन की बारगाह में सरज़मी करबला पर कि जैसे इस वक्त हम लोग या आप लाइव प्रोग्राम जो देख रहे हैं ऐसे ही खुदा किस्मत करे परवरदिगार किस्मत करे करबला में बैठ कर आका हुसैन को जो है पुरसा दिया जाए अल्लाहुम्मा मुहमदिन अला अल्लासला व वाल मुहम्मद السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى दिल हुसैन व अला हुसैन आए सलाम करें अपने आका इमाम हुसैन को अपने मौला इमाम में हुसैन को सलाम करें कहते हैं ये बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त जवान बेटा आंखों के सामने से गया होगा बाप ने अपने कलेजे पे हाथ को रखा होगा एक और बाप भी है करबला में जो वक्त आखिर हुसैन की मदद को आया कौन बाप वो हुर है? जो अपने बच्चे के साथ इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ कहते जिस वक्त हुर का फर्जन इजाज़त ले कर मकतल के लिए रवाना हुआ कहते अभी कुछ देर गुजरी थी आवाज आई बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल करो कहते हु अपनी जगह से उठे कहते मक्तल में जाना चाहते थे आका हुसैन ने शानों हाथ रखे मेरे भाई हुर कहा जा रहे हो जवान फरजंद है बर्दाश्त न कर सकोगे जवान बेटा है कहते हुर को मौला ने बिठा दिया मगर हाथों को जोड़ेंगे मौला हुसैन कल जब अभी इसी कुछ देर के बाद आपका फर्जंद अकबर जिस वक्त आपको आवाज देगा ये बूढ़ा बाप क्या करेगा ये मौला हुसैन मौला हुसैन आपके दिल पे क्या गुजरेगी कहते आका हुसैन फर्जंद के लाशे पर पहुंचे फर्ज का जनाजा आंखों के सामने है जिस वक्त रूह परवाज कर गई थी कहते बूढ़ा बाप कर जनाजा उठाना चाहता है कहते उठ न सका जनाजा उठना सका खैमे की तरफ आवाजी ए बच्चों आओ मदद करो जवान की मैयत है मुझसे उठाई नहीं जाती जवान का जनाजा है मुझसे उठाया नहीं जाता ला ला है ला लजीन पालने वाले इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले ये मेरे बाबू तुझे वास्ता देते हैं तेरे का जो, जो मरीज है उन्हें सेहत इनायत कर दे परवरदि हमारे जमाने के इमाम का जहरूर कर दे खुदा परवरदिगार पालने वाले जिनके वाले जिंदा उन्हें तूले हयात दे जिनके वालदे दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे खुदा या परवरदिगार हम सबको मिलजुल के रहने की तोफ़ी इनायत कर पालने वाले कर्जो मकर के कर्ज़ों को अपने गैब से अदा कर दे रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे तुझे इमाम रज़ा गरीब का वास्ता जिनके भी दिलों मासूम की बारगाह में आने की तमन्ना है परवरदिगार उन सबके यहाँ आना नसीब कर दे पालने वाले अहिल अथार का तुझे वास्तव परवरदगार मरहूम की मगफरत कर दे मरहूम के दर्जात को बुलंद कर दे इनके खान वादे को इनायत कर दे आप सबसे आखिर में फिर गुजारिश है कि एक मरतसूर अलम और तीन मरतूर अखिलास की तिलावत करके मरहूम सैद मोहम्मद सदक इबन हुसैन और आप सब के जितने मरहूमिन हैं और ऐसे हजरात के जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं उन सबको याद करते हुए और तमाम मरहूमिन खासतौर से कि जिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे हजरात हैं कि वाकई जिनका कोई याद करने वाला अगर आज हमें उन्हें याद करेंगे कल हम भी याद किए जाएंगे उन सबको याद करते हुए जुमला कब्रमिन मोमनाथ की याद कर रहा याक्र फ़ात ब